अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून रियाजी के सबक तस्वीर में दिखाए हुए अदद के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक में हम देखेंगे कि तस्वीरों में क्या क्या दिखाया हुआ है और उसके ज़रिए अदद कैसे लिखते हैं और उन अददों को लफ्ज़ों में कैसे लिखा जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि ये सब खुली तीलियाँ है जिसे हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। अब दूसरी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि इस तस्वीर में हमने उन तीलियों को बंडल की शक्ल में, गट्ठे की शक्ल में बांध दिया है। इसको हम गट्ठा भी कह सकते हैं और बंडल भी कह सकते हैं। ये 10 तीलियों का एक गट्ठा है, 10 तीलियों का एक बंडल है। अब अगर हमें 30 तीलियाँ लेना है तो हमें इन खुली तीलियों को लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इन 3 गट्ठों को लेंगे। और अगर हमें 30 के साथ 5 और लेना है यानी 35 लेना है तो हमें 30 और 5 खुली तीलियाँ लेंगे। इस तरह से ये कहलाएगा 30 और 5 35। अब इसी को हमें अददों में लिखना है, हमने इसको अददों में लिख दिया, लेकिन इन अददों को हमें लफ्ज़ों में लिखना है। जैसे 30 और 5 कितने होते हैं, 35। इस तरह से हम सीखेंगे कि 35 या 25 या 20 जो भी अदद है उनको लफ्ज़ों में कैसे लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझते हैं कि हमारे पास में 1 10 का नोट है और 5 खुले रुपए है। 1 10 का नोट, 5 खुले रुपए यानी कितने होते हैं, 15 रुपए। अब हम लिखेंगे इकाई के कॉलम में 5, दहाई के कॉलम में 10 रुपए का नोट। इसको अदद में लिखेंगे 5 और 1, दहाई में 1 है और यहाँ पे 5 है यानी 15। इस तरह इसको लफ्ज़ों में लिखेंगे 5 और 10 यानी कितने होते हैं, 15। तो बच्चों याद रखो, हम इकाई दहाई इसलिए पढ़ते हैं कि इकाई यानी 1 से खुले जो होते हैं उनको हम इकाइयों में गिनते हैं और एक गट्ठा जो हम बनाते हैं 10 का वो एक गट्ठा कहलाता है जो हमने अभी सीखा। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इसको याद रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। शुक्रिया।